सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज देखिए सामने, आप पहचानते हैं जगह को और ताऊ जी भी खड़े हैं सामने। पांडवान गांव से वीडियो लेके आ रहे हैं। ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जितनी भी वीडियो हम ताऊ जी के यहाँ से लेके आते हैं, बहुत ही शानदार भैंसे इनके पास मिलती हैं। लगभग 5-6 भैंसे आज की वीडियो में हम देखेंगे और एक से बढ़ के एक भैंसे ही ताऊ जी के पास होती हैं। कमेंट्स तो मैं कहूँगा वीडियो में लगभग डेली की डेली कोई 10 कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि भाई ताऊ जी की वीडियो बनाओ, ताऊ जी की वीडियो बनाओ। लेकिन ताऊ जी तभी वीडियो बनवाते हैं जब बहुत ही शानदार पशुधन इनके पास खड़ा हो। तो थोड़ा टाइम निकाल के आप वीडियो देखें और पूछेंगे सभी भैंसों के बारे में, डिटेल से जानकारी लेंगे। पहली बार हमारे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लें। अभी ताऊ जी से बात करेंगे, पूछेंगे दूध वगैरह और जो है कौन से लैक्टेशन में है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। ताऊ जी कितनी 5 भैंसे दिखाओगे या 6? 5 या 6 की आज बात हो ली जी। अच्छा, बात हो गई, बिक चुकी है। बिक चुकी, तो वाई करके देख गया। एक नंबर वाली से ही शुरू करते हैं। बताइए, खोलो भाई, चलाओ इसको खोल के, कितना दूध है, क्या कीमत इसकी रखी है ताऊ जी? और कीमत इसकी जो निशा में आओगा ना, जिस कीमत बताऊंगा आज 23 लीटर दूध इसका पक्का तैयार है। ब्यांत कौन सा है? खर की छठा दांत तोड़ की छठा, 6 दांत जोटी है, तैयार कर। पहले ब्यांत की ताऊ जी बता रहे हैं, खारकी हरियाणा में पहले ब्यांत की जोटियों को बोला जाता है। खारकी से खारकी सब ने देख रखी है, क्या पर देखने लगे थे लोग? अच्छा, देखी हुई है सबकी, देख रखी है जो आर पार का हमने सब ने देखा। ठीक है, तो 23 लीटर दूध जो है आज फिलहाल तैयार है, पहले ब्यांत की है। तो ताऊ जी इसके पीछे कटड़ा है कि कटड़ी? कटड़ा है इसके पीछे। ये देखिए जोटी बहुत ही शानदार चल के जा रही है, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक जो मुर्रा को मैं बोलता हूँ कि ब्लैक डायमंड है हरियाणा की, तो ये जोटियाँ हैं जो ब्लैक डायमंड हैं और नस्ल सुधार पे काफ़ी काम हरियाणा में हो रहा है। तो ऐसी ऐसे पशुधन हम आगे भी देखते पाएंगे। ताऊ जी कह रहे हैं खुली चुनौती है कि पहले ब्यांत की भैंसों के नीचे दूध इतना हर किसी की भैंस के नीचे नहीं होता। तो देखिए मैं एक बार 2-3 लाख भाषा में एक आध पाऊंगा, 2-3 लाख में एक आध को मिलेगा। आप सुन भी पा रहे होंगे पीछे पीछे, मैं आपको सुना तो सही नहीं कोई आपका घर ही सब दूध बोलता है। तो ताऊ घर हमेशा मिलते बात से ताऊ तैयार से आज ताऊ फुल एग्रेसिव है। देखिए जोटी के ऊपर बोल रहे हैं, दम कितना है जोटी में आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, पीछे पीछे कह भी रहे हैं कि जोटी 50 किलोमीटर पर ले जाओ, कोई भी आग ले लिया और 1 लाख रुपया खुली 1 लाख रुपए की चुनौती दे दी ताऊ जी ने, इनाम रख दिया खुली पहले ब्यांत की जोटी कोई भी किसी के भी पास हो। तो ये देखिए मैं एक बार जोटी नजदीक से दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल छोटा सींग और चेहरा और जो बात करें बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल पतली चमड़ी की। अभी बारिश वगैरह का थोड़ा सीजन ज़रूर है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है हरियाणा में। तो अभी देखिए जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं, पीठ की क्वालिटी बहुत ही शानदार, पूंछ थोड़ी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रही है। कितने इंच की है? लगभग मेरे ख्याल से होनी चाहिए 5 या 6 इंच, तो आराम से मेजरमेंट मेरे हाथ में फीता नहीं है। और अडर की क्वालिटी देखिए बहुत ही बेहतरीन, पीछे वाले थनों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और जो है आगे वाले थन भी काफ़ी बढ़िया मुट्ठी के आकार के। ताऊ जी कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा की देखी हुई जोटी है ये, बहुत सारे लोग देख चुके हैं इस जोटी को पहली। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए थन काफ़ी सुंदर है, जैसे बना के मिट्टी से लगाए हों, हाथ से लगाए हों, बहुत सुंदर जोटी है। आगे जो मिल्क वैन है वो भी काफ़ी बढ़िया, अल्टीमेट पशुधन हम इसे कहेंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन 23 लीटर दूध कोई भी भाई आके 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम निकाल सकता है। अगर जो तो 6 टाइम का ड्रॉप ना इस बात की 8 नहीं, अगर सौदा बन जाता है तो ना
खोलो भाई दो नंबर को, सही बात है जी। तो इससे आगे देखिए दो नंबर पे एक और झोटी दिखाते हैं ताऊ जी, ये कौन से ब्यांत की है? छह दांत है ये भी पहले ब्यांत की और दूध दोनों। अच्छा इसमें 20 लीटर दूध है, 200-300-400 ग्राम ऊपर ऊपर से 20 से 200-400 ग्राम ऊपर है। बिल्कुल छोटा सींग इसका भी, फुल बड़ी साइज की है, बॉडी वेट काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक नंबर पे जो झोटी बांध रखी है ताऊ जी ने, आज शायद ही कोई हरियाणा में इसके मुकाबले की झोटी बिक्री वाली हो। उसके आगे थोड़ी सी वजन में तो ज़्यादा भारी लग रही है, लेकिन जो क्वालिटी है उसमें थोड़ी सी हल्की एक नंबर से लग रही है। लेकिन दोनों 19-20 का ही डिफरेंस है। हो ये ज़रूर होता है कि एक पशुधन किसी भी कोई बेचने वाले भाई होते हैं, एक भारी भैंस खड़ी होती है तो उनको मुश्किल हो जाता है कि उसके पास जो छोटी भैंसें होती हैं उनको बेचना। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और काफ़ी जानदार झोटी है। खींच कैसे लेता हूँ जी, खींची तो नहीं जाएगी, भारी झोटी है और थोड़ी सी चंचल, शायद कैमरे को देख के भी डर रही है। ताऊ जी भी मेरे को बीच में 2-3 बार बोल चुके हैं कि साइड में हो जाओ। दूसरी झोटी है बिक्री के लिए, फिर कहूँगा एक नंबर का शायद ही कोई मुकाबला होगा। कई दिन में देखने को ऐसी झोटी मिली है, दो नंबर वाली भी बढ़िया वजनदार। अभी देखिए अभी आइडिया होगा कि दो नंबर वाली भारी ज़रूर है, लेकिन अच्छा इसके नीचे कटड़ी है, ठीक है। ये खोलो भाई 3 नंबर वाली, ये ताऊ जी कौन से ब्यांत की है? ये जी 22x600 दूसरा ब्यात मत ने इन कंपटीशन में अस्पताल में दूध का जोड़ा है। आज या 15 दिन की ब्याई का आज 22 किलो पक्को है। तीसरे ब्यात की है फिर ये? तीसरा ब्यात के साथ 22x600 का, तो इसमें दूसरा ब्यात मत ले लेते, मैंने ले रखे, मैं खुल की बता दी, मैं ना बताऊँ 22x600 दूध निकाला हुआ। कम से कम भी 26-25 तो 50-100 ग्राम का जो कट देगी, 25 से ऊपर दूध निकालेगी, फुल गारंटी के। ये देखिए बहुत ही शानदार झोटी, ताऊ का जी का कहना है कि मातन हिल गांव से लेके आ रखी है और जो है तीसरे ब्यांत की है। एक बार और घुमाओ, बहुत ही छोटा सींग और भैंसे इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जो पकड़ के जो चला रहा है आदमी उसके संभल में नहीं आ रही है। ये देखिए बहुत ही शानदार ऑर्डर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और शानदार पशु दंताऊ जी रखते हैं। रोबिले थोड़े कड़वे ज़रूर हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि कड़वा इंसान सही होता है, मीठा चोट मार सकता है, लेकिन कड़वा एक बार आपको बात बुरी लगेगी, लेकिन कड़वा ही सही रहता है अगर हम डेली किसी आदमी से काम पड़ता है तो। बिल्कुल, तो ये देखिए तीसरे ब्यांत की झोटी है, बहुत बड़े साइज का ऑर्डर और चेहरे से, इसके पीछे भी कटड़ी है और चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे पहले ब्यांत की झोटी हो, चेहरा और सींग ऐसा है जैसे पहले ब्यांत का पशुधन होता है। ये देखिए और ये देखिए बिल्कुल छोटा सींग और चेहरे से ऐसे लग रहा है जैसे पहले ब्यांत की है, कभी बुढ़ी होने वाली नहीं है चेहरे को अगर देखे तो। ताऊ जी ये जो 4 नंबर पे झोटी है इसके बारे में बताओ। दूसरे ब्यांत 18 लीटर दूध तैयार से, कितने दिन की ब्याई हुई है? 15 दिन की ओरिजिनल हो लिया, 15 दिन की ब्याई है, 6 दांत है, 18 लीटर दूध इसमें तैयार है। ये भी देखिए नीचे की बनतर और शरीर बहुत बढ़िया है झोटी का, अर्डर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी काफी शानदार है इसकी भी, बहुत ही खूबसूरत पशुधन है ताऊ जी के पास। आज हम 4 झोटियां देख चुके हैं और शायद ही ऐसी ऐसी झोटियां किसी भाई के पास एक किले पे एक खुट्टे पे खड़ी हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बिल्कुल छोटा सींग और नीचे से देखिए बहुत बढ़िया और बिल्कुल साफ़ सुथरी, सच्ची बातें होती है ताऊ जी की। ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा पशुधन है ताऊ जी के पास, बार बार बहुत इंतज़ार होता है, 15 दिन की ब्याई है, ठीक है। फिर आगे वाली, इसका तो दूध निकल चुका है ना, इसका तो निकल चुका है दूध है ना, इसके 18 लीटर, ठीक है, 5 नंबर का 18 लीटर दूध है। कितने दिन की ब्याई है? 20-22 दिन की ब्याई में 18 लीटर दूध है। ब्यांत कौन सा है ताऊ जी, ब्यांत कौन सा है? दूसरे तीसरे ब्यांत की है, देखिए तीसरे ब्यांत में, ठीक है जी। तो बहुत ही खूबसूरत झोटी, एक और देखिए बहुत ही शानदार, ये भी
काफ़ी सुंदर है झोटी और 18 लीटर दूध इसमें तैयार है। 15 दिन की ब्याई हुई ताऊ जी बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। 5 झोटियाँ हैं बिक्री वाली और 5 की 5 बहुत ही बेहतरीन। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, ताऊ जी से अच्छी पैसे लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगभग मैं कहूँगा चारों की चारों, पाँचों की पाँचों, एक से बढ़ के एक झोटियाँ। सभी भाई जो भी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार।